शिमला वाले रूट पे लग गए अपन। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शिमला पास में है। रोड तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और अपने को तो कॉर्नरिंग पहले से पसंद है। हवा बहुत चल रही है यार, इधर हवा बहुत है। ऐसे ही अगर रोड रहा ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ वैसे तो 10 घंटे कुछ तो भी टाइमिंग दिखा रहा है, बट अगर ऐसा रोड रहा ना तो 250 किलोमीटर है, 7-8 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये पहले तो शॉर्ट रोड था ना, अभी बड़ा हो गया है, 2 लेन हो गए यहाँ पे, जाने के लिए अलग आने के लिए अलग। तो अभी तो एकदम अरे कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है ना, सीधा रोड पकड़ो निकल जाओ 10 घंटे में इधर से उधर सीधा। आह क्या मजा आ रहा है कॉर्नरिंग करने में। गाड़ी अगर मेरी एकदम जबरदस्त एकदम परफेक्ट रहती ना तो तोड़ मजा आ जाता, तोड़ एकदम तोड़ एकदम तोड़ मजा आ जाता। वो कोई नहीं, जो होने वाला है वो होते रहता है। प्रॉब्लम फेस करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, वही तो बहुत बड़ी बात है, और आगे ही बढ़ना काम है अपना। अपन अगर हार मान लेंगे तो क्या मतलब नहीं है ना कुछ भी। अब जितने भी ब्रेकडाउन्स हुए उससे मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। इसके बाद मैं वैसे जो गलती की थी कि बेल्ट नहीं लिया था साथ में, वैसा नहीं करूँगा इसके बाद बेल्ट साथ में रखूँगा, और जो भी टूल्स है उसको ओपन करने के लिए वो भी साथ में रखूँगा, यानी मुझे आगे में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे इधर तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बोल रहा हूँ, कम टेम्परेचर है। नागपुर में तो 42 तक चले गए अब डिग्री, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 14 है, कहीं 18 है। रोड बहुत प्यारे है यहाँ के, एकदम जबरदस्त। बसल पट्टी कतत कुतत, इधर के नाम थोड़े डिफिकल्ट है, समझ में ही नहीं आता क्या प्रोनाउंसिएशन करना है उसका, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है कभी कभी। बोलने जाते हैं कुछ और बोल कुछ देते हैं, समझ में ही नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं। जीप लल चलाई लल जीप लल चला, वो भी नहीं जम रहा है। इधर रोड का बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ पे ओवर ब्रिज फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है यहाँ पे। रोड सभी जगह ने अच्छे बन रहे हैं अब, हिमाचल शिमला का बोर्ड है, शिमला 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 पूछ लेते ना एक बार। भैया शिमला का रोड कौन सा है? सीधा ये देखो यहाँ पे भी काम चालू है। वो रेलवे ट्रैक छोटा वाला, ये तो छोटी छोटी रेल की पटरी है। इधर कल इलेक्शन था, आज की तारीख है 8 है शायद, 8 अप्रैल 2021 7 को यहाँ इलेक्शन था, कांग्रेस जीत के आई है यहाँ पे। बीजेपी की 7 सीट और कांग्रेस की 9 है, ऐसा कुछ तो भी है एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता क्योंकि हम लोग होटल में सोए थे थोड़ा तो चालू था। सोलन तो चले गया अभी पीछे में, आगे में यार बहुत ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त एकदम खतरनाक। रोड अगर यहाँ से बन गया ना एक बार तो हद हो गई, फिर तो यहाँ से नॉन स्टॉप भी जा सकते एकदम। मॉर्निंग निकलो फट से बिल्कुल।
यहाँ पे गाड़ी है तो बहुत फास्ट चलती है एकदम। अरे थोड़ी सी गलती विषय में बदल जाएंगी, झरझर चलती है एकदम गाड़ियाँ इधर की, विषय हो जाएगा भाई। एकदम खतरनाक। मैं फर्स्ट टाइम, मैं 10th में आया था स्कूल के कैंप में हिमाचल, तब मैं बहुत छोटा था तो उतना कुछ मैंने याद में नहीं है मेरे, बट अभी मैं फर्स्ट टाइम आया ऐसे ही सोच के चलूँगा। और वो भी मेरी जो प्लान था कि मैं राइड करूँ हिमाचल के लिए नागपुर से, वो सक्सेस हो गया है आज। बीच बीच में पैचेस के काम चालू है बनने के, तो बाकी रोड तो जबरदस्त है। पैचेस है थोड़े थोड़े काम चालू है। ये बन जाएगा यार, साल डेढ़ साल में काम हो जाएगा यहाँ पे रोड्स का, ऐसा लग रहा है मुझे। उसको ऊपर से जाना था क्या ट्रक के? क्या बात है, यानी इधर से अगर कोई अपोजिट से आ रहा है तो उसको तो सीधा साथ में लेके जाना है उसको, है ना? एकदम ऐसा कुछ समझ भी नहीं आता इधर। एक तो सिंगल रोड है, ओवरटेक का तो ऐसा सीन है इधर, जैसी जगह मिली वैसे डाल दो और सब 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 निकल जाओ बिल्कुल। अभी हम लोग शिमला से निकल गए मनाली के, पहले पहले है रोड बिलास कुछ तो भी है उसके पहले है। रोड तो बहुत ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं रोड में तो, एकदम ज़बरदस्त। बस कई थोड़े थोड़े पैचेस है, वो तो चलता है इतना घाटी में, इतना 250-300 किलोमीटर का रोड, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप, ऐसे नॉर्मल काम नॉर्मल वाला काम नहीं है इधर, अच्छा ही पावरफुल ही बाइक चाहिए। और अपनी गाड़ी तो ब्रेकडाउन की लिस्ट लगा चुकी है, तो अब फिर भी जाना तो है, बिना जाए हम रुक नहीं सकते। देवी का मंदिर दिख रहा है, जय माता दी, जय माता दी। तक तो ढलान थी, अभी पूरा चढ़ाई मिल रही है। माउंटेन्स क्यों मजा आ रही है यार, वो व्यू तो पता नहीं अब कैमरे का मुझे कैसा आ रहा है क्या आ रहा है, अब एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा, है ना गाइस। गाड़ी तो ऐसी चलती है, मैंने छोटी गाड़ी यार वाले, मैंने जो फोर व्हीलर वाले है HP हिमाचल प्रदेश वासी, वो जब मैंने तुम हाथ बैठा हूँ ना यहाँ पे, हर बार का है रोज का है तो हाथ बैठा रहता है, उसको कट्टू कट्टी चलाते हैं एकदम कॉर्नर एकदम, और स्पीड भी ज़्यादा ही रहती है, नॉर्मल स्पीड में चलाते ही नहीं चला रहे हैं। छोटा रोड आ गया, पहले तक तो थोड़ा बड़ा था और अच्छा भी था न्यू एकदम, अब थोड़ा ये भी न्यू ही है। यहाँ पे है ना पूरे सीधे है पेड़, है ना अलग ही है थोड़ा, एकदम कर्व्स है यहाँ पे, एकदम ब्लाइंड टर्न्स, एकदम दिखता ही नहीं आगे में कौन आ रहा है, कौन नहीं, बहुत संभाल के चलाना पड़ रहा है।
यही चलाएंगे, बहुत लंबा जाना है अपने को। व्यू अच्छा है, व्यू एंजॉय करो आप, तो बहुत ही जबरदस्त। तारीफ करने लायक ही है, तारीफ करते करते थक जाऊंगा, रोड नहीं खत्म होगा, समझे। अपन तो फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग सब 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 घर जा रहे काम कर। लेने का एंजॉय करने का ये है रोड्स, बहुत ही संगीन। टायर्स भी बहुत बड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा कॉर्नरिंग वॉर्निंग भी कर सकते हो, बाइक का बिल दे सकते हो, हम पैसे में इतना ही मिलेगा, इतने में इतना ही मिलेगा ऐसा है, पर जितना भी है बहुत है, जितना भी मिला है अपने को बहुत है। वो एप्रिलिया जैसे तो कोई मोपेड ही नहीं है भाई, बहुत ही प्यारी मोपेड है ना, बहुत प्यारी, इसके जैसी तो कोई नहीं है। और रहा सवाल मोपेड है तो यार क्यों नहीं देखी जा सकती इसको ना, माउंटेन्स पे क्यों नहीं लेके जा सकते इसको, लेके जा सकते यार। मैं नेपाल जाके आया उससे, मेरा फर्स्ट ट्रिप था नेपाल का, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था उसका। बस इसी बार यार बेल्ट टूटे है, वो भी मेरी गलती है उसमें, ऐसा लग रहा है मुझे, मैंने बेल्ट चेक कराया था, नया डाल देना था, वो हो सकता है बहुत दिनों से डाला नहीं है मैंने, नया डाल देना था, इतना लंबा सफ़र करना था तो, है ना, गलती मेरी है उसमें, किसी को ब्लेम नहीं करूँगा मैं, ना कंपनी वाले बंदे को करूँगा ना किसी को करूँगा, क्योंकि उसने बोला अच्छा है, अच्छा तो था ही, बट पुराना था, इतना भी कुछ हो जाए, है ना।